दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पहली बार ड्रोन उड़ाने वाले हैं तो आप इसको किस टाइप से उड़ाएंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ड्रोन को बंद कर देते हैं और उसके बाद ओपन कहाँ से करना है, ड्रोन को चालू कहाँ से करना है, उसके बाद से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास ड्रोन है इसको भी हम सबसे पहले बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद एक बार फिर से आपको बताते हैं कि सबसे पहले ऑन कहाँ से होता है। सबसे पहले ये है आरसी, आरसी में जॉयस्टिक वगैरह का भी काम बताएंगे। उसके पहले एक बार आपको ये दबा के फिर इसको प्रेस करना है कुछ एक सेकंड के लिए। इस टाइप से ब्लिंक होगा, रेड लाइट ऑन होगी, फिर ये चालू हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको ड्रोन को भी ऑन करना है। ये है इसका ड्रोन का पावर बटन, एक बार दबाने के बाद इसको एक सेकंड के लिए प्रेस करना है, फिर ये एक्टिव हो गया है। ये एक्टिव हो गया और इधर भी डिवाइस स्टार्टिंग, ठीक है। ये डिवाइस एक कुछ 20 से 30 सेकंड का टाइम लेता है पूरा, और सिग्नल अपडेट होने का वेट करना है आपको। जैसे ये अपडेट हो रहा है ये ऑन हो गया है। अब ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, इसका गिम्बल भी ये आपने देखा ही है, इसने फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी करना था गिम्बल का कर लिया। अब ये ऑटोमेटिक सिग्नल बताएगा, जैसे यहाँ पर रेड में ये 0% सिग्नल बता रहा है। जब तक कि कम से कम 10 से 12-15% सिग्नल ना हो तब तक आप इसको फ्लाई ना करें, थोड़ा सा वेट करें। ये 0% से थोड़ा सा बढ़ जाए, ये सिग्नल जो बता रहा है ये रेड में 6% हो गया, 6 सिग्नल यहाँ पर जो सैटेलाइट सिग्नल है वो 6 हो गए। आरसी में जो रिमोट में जो ये बता रहा है आरसी में, आरसी का मतलब ये है कि आरसी का और ड्रोन का कनेक्शन जो है वो बेटर है। ये 19 हो गया है, मतलब सिग्नल वाइट हो गया, होम पॉइंट अपडेट हो गया। अब इसको उड़ाना कैसे है, अगर आप मैन्युअली उड़ाते हैं तो मैन्युअली कैसे उड़ेगा। मैन्युअली उड़ाने के लिए आपको दोनों जॉयस्टिक्स जो हैं, ये दोनों जॉयस्टिक्स को आपको यहाँ पास में लेके आना है इस टाइप से, और ये हो जाएगा। अब इसको आपको ऊपर करोगे सिंपली तो ये टेक ऑफ हो जाएगा, मतलब ये टेक ऑफ यहाँ पर हो गया है। के बाद अगर आपको इसको ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है इसका मतलब इस जॉयस्टिक को जो लेफ्ट वाली है उसको आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो ये अपन ने ऊपर कर लिया, तो इस टाइप से ये ऊपर चला गया। अब थोड़ा सा और आपको बताते हैं, ऊपर जाने के बाद अगर इसको आपको वापस नीचे लाना है तो सेम इसको नीचे करना पड़ेगा, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको अपने ही एक्सिस पे ड्रोन की तरफ देखिएगा, अगर ड्रोन को अपने ही एक्सिस पे घुमाना है, अगर आपको लेफ्ट साइड में घुमाना है तो इसी जिससे ऊपर किया था उसी को लेफ्ट साइड में आप रोटेट करोगे तो ये राइट साइड में घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि ड्रोन का मुंह हमारी तरफ है, इसलिए ये जॉयस्टिक दोनों उल्टी काम करेगी। अगर इसको राइट साइड में घुमाते हो तो ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा, क्योंकि ड्रोन का जो कैमरा था मुंह था वो हमारी तरफ था, तो ये यहाँ पर पूरा एक एंगल इसने क्रिएट कर लिया। अगर आपको ड्रोन को पीछे लेके जाना है तो पीछे लेके जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जैसे ये ऊपर कर लिया हमने, ये ऊपर हो गया। अब इसको ड्रोन को अगर आगे की तरफ लेके जाना है, मतलब हमसे दूर लेके जाना है, तो ये ध्यान रखना है कि ड्रोन का जो कैमरा है इसका मुंह जो है वो हमारी तरफ है, हमारी तरफ है। मतलब इसको अगर पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारी तरफ आएगा, और इसको नीचे की तरफ मतलब हमारी तरफ लेके आएंगे तो कैमरा या ड्रोन पीछे जाएगा। जैसे ड्रोन पीछे जा रहा है, ड्रोन को देखना, वापिस अगर इसको पास में लेके आएंगे तो ये पास में आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपने जॉयस्टिक का काम समझ लिया। अब इसके बाद ड्रोन को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, ड्रोन को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि इसका जो गिम्बल है, कैमरे का गिम्बल, वो किस टाइप से मूव करेगा। जैसे हमने आपको ड्रोन को थोड़ा सा पास में लेके आ जाते हैं कैमरे के, अब ड्रोन को बताना मैं बोल रहा हूँ, पास में माइक आएगा। अब जैसे अगर आपको ड्रोन के इस गिम्बल की तरफ फोकस करोगे, पास में चल जाओ थोड़ा सा गिम्बल के, थोड़ा सा हाँ, इसको ड्रोन को देखना, ये गिम्बल ये नीचे करना है तो ये नीचे हो रहा है, गिम्बल आपको दिख रहा है, और गिम्बल को ऊपर करना है तो ये गिम्बल ऊपर हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा गिम्बल पूरा ऊपर हो गया। तो ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। अगर आप जॉयस्टिक का, ये जो जॉयस्टिक है जहाँ से ऊपर जाता है उसके पास में यहाँ पर एक स्क्रोलर रिमोट होता है, अगर इसको आप राइट साइड में घुमाते हो तो गिम्बल ऊपर जाएगा। देखो कैमरे का गिम्बल आपको ऊपर दिख रहा है, अब इसको वापस नीचे की तरफ लेके आओगे तो गिम्बल भी नीचे की तरफ आएगा। जैसा आपको दिख रहा है गिम्बल, ये देखो ये गिम्बल जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। अब इसके नीचे दोस्तों सेंसर होता है, ये मिनी 3 है, इसमें नीचे की तरफ सेंसर होता है। अगर मैं नीचे हाथ लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, सेंसर है। अब दूसरी बात, अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वीडियो वाला बटन है, इसको एक बार आप प्रेस करोगे तो ये वीडियो यहाँ से ऑन हो जाएगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी चालू हो गई है। इसका गिम्बल हमारी तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा कैमरे को भी मूव कर लेते हैं, ये हमारा वीडियो आ रहा है इसके अंदर, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। अब साथ ही अगर आपको कैमरे से फ़ोटो खींचना है इससे, तो ये राइट साइड में आपको यहाँ पर एक की मिलेगी, इससे क्या होगा, ये फ़ोटो मोड आ जाएगा। इसको अगर दो बार प्रेस करोगे तो ये फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, ये फ़ोटो इसका क्लिक हो गया। अब अगर आपको बताते हैं ये तीन मोड क्या होते हैं, CNS, सी फॉर सीने मोड। सीने मोड में क्या होता है, ड्रोन धीरे से ऊपर जाता है। आप ड्रोन की तरफ देखिएगा, ड्रोन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे मूव करेगा, इसलिए धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये धीरे धीरे वापस नीचे भी आ जाए। लेकिन अगर आपको बताते हैं ये
नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड में स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, और स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स मोड में स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, आपको ड्रोन को जल्दी फटाफट उतारना है, तो आप स्पोर्ट्स मोड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, स्पोर्ट मोड में तभी उड़ाना है जब बैटरी डिस्चार्ज होने वाली हो, या फिर आपको ऐसा क्विक शॉट लेना हो तभी, तो ये आपका फटाफट से ड्रोन नीचे आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसके अंदर और भी जूम करना चाहते हो अगर कैमरे को, तो आप इसमें देखिएगा, ये कैमरे के नीचे जो ये स्क्रॉल है, इससे आपको जूम हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको ये जूम करके बता रहा हूँ, तो ये जूम 4x जूम हो जाएगा, 2x जूम होता है 1080p में, और अगर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2x जूम होगा, और अगर आप इसको 1080p में रिकॉर्ड करोगे तो ये 4x जूम हो जाएगा। तो ये 2x जूम इससे हो गया है, तो ये आपसे हो जाएगा। ये साथ में आपको दिखा रहा है मैप, यानी कि यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं पूरा, कि आपका ड्रोन कहाँ कहाँ उड़ रहा है। इसमें आप मोड भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वापस ये इसके अंदर लेके आ गए, अब ये स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड में सबसे पहले मैं सीने मोड में कर लेता हूँ, आपको कुछ शॉर्ट्स लेके बताता हूँ मैं। जैसे अगर हम यहाँ पर हैं, अब ड्रोन की तरफ अपन वो फॉरवर्ड करते हैं, जैसे मैं धीरे धीरे जॉयस्टिक को थोड़ा ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, मतलब ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा और थोड़ा पीछे पीछे लेके जाना है, और धीरे धीरे रिकॉर्ड करना है, तो मैं यहाँ वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया रिकॉर्ड का। अब धीरे धीरे इसको जॉयस्टिक को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाना है और थोड़ा इसको पीछे लेके जाना है, ठीक है, तो इस टाइप से। ये ऊपर चला गया जैसे इसमें आ रहा है। अब इसमें एल्टीट्यूड 15 मीटर का, अगर आपके सिस्टम के अंदर आपके इसमें नए अगर आपने लिया है और आपको ये नहीं पता है कि 15 मीटर से हाइट कैसे बढ़ानी है, लेकिन आपको एरर आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन बता दूंगा, ताकि ये कभी भी इस टाइप से ना बताए। ये जितना हाइट पर लेके जाते हैं उतनी हाइट पर भी ये चला जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ड्रोन बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। अब इसको हम एक बार हेलिक्स में घुमाते हुए अपने हाथों से जॉयस्टिक से इसको नीचे लेके आते हैं। तो नीचे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब इस की को आपको, जॉयस्टिक को आपको नीचे लेके आना पड़ेगा, और इसको आपको घुमाते हुए, मतलब रोटेशनरी आपको साइड में लेके आना पड़ेगा। सीने मोड में कर रखा है, मतलब धीरे धीरे ये रोटेट हो जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है ड्रोन धीरे धीरे। तो हम इनको हमारे पास लेके आ जाते हैं। अब इसको मैं हमारे पास लेके आ जाता हूँ, और आपको इसको लैंड कैसे करवाना है उसके दो तरीके बता देते हैं लैंड करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका, इसमें अपन लैंड करने का तरीका देखते हैं, कि सबसे पहले ड्रोन को हम हमारे पास में लेके आते हैं जितना पॉसिबल हो सके। तो ये हमारे पास में लेके आ गए हैं इसको ड्रोन को, ये ड्रोन इतना पास में आ गया है हमारे। अब इसको लैंड करना है तो क्या करना पड़ेगा लैंड करने के लिए, देखिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि जैसे ही ये जहाँ पर है वहाँ से आपको ये जो बटन है इसको आप प्रेस करोगे, तो ये लैंडिंग का बटन आ रहा है, इसको आपको दबाए रखना है। ये पूरा सर्कल हो गया और ये लैंडिंग, ये ऑटोमेटिक लैंडिंग करेगा, आप अपने हिसाब से लैंडिंग करेगा। इसका गिम्बल ऊपर हो गया है, अब ये लैंड कर लेगा। दोस्तों इसने ये लैंडिंग कर ली है। अब देखो यहाँ से बताते हैं कि अगर आपको डायरेक्टली वो अगर इसको लैंड करना है बिना किसी जॉयस्टिक के, वो तरीका मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर आप प्रेस करोगे और ये टेक ऑफ करोगे वापस से उसी जगह पर, ये है टेक ऑफ। इसको भी एक राउंड पूरा करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ हो जाएगा, और ये 1 मीटर की हाइट पर जाकर ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। उसके बाद आपको जिधर लेना है उधर आप ले सकते हैं। ये इसका व्यू भी आ रहा है, तो इसको अपन हमारी तरफ घुमा लेते हैं। अब इसको आप हाइट पर लेके जाइए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हाइट पर अपन लेके चले गए। ठीक है,
तो यहाँ से हम इसको बाय बाय बोल के थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। ये काफी ऊपर चला गया। आई होप कि आपको बहुत सारा ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले थोड़ा सा ड्रोन नीचे कर लेते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत अपन जारी रखते हैं। ठीक है, तो ये ड्रोन पास में आ गया है हमारा, और थोड़ा सा और पास में ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आपके ड्रोन से संबंधित कौन कौन सी क्वेरी हो सकती है, इसकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा हम इसको पीछे बैक जाने देते हैं। अब समझते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है ड्रोन से संबंधित, जैसे कि अगर आपका ड्रोन 15 मीटर या 120 मीटर की हाइट से ऊपर नहीं जा रहा है, तो क्या करना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं किसका वीडियो बना दूं। इसके अलावा क्विक शॉट में आपको जो हेलिक्स मोड, रॉकेट मोड और फॉलो मी मोड, ये सारे मोड कैसे काम करते हैं, इनके बारे में भी अगर आपको जानना है तो भी इसके बारे में वीडियो बना लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। और भी ड्रोन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।